हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। मैं स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मुझसे मिलकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। इसी के साथ गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग का चैनल जिसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग एंड दूसरा एजुकेशनल चैनल है जिसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस, दोनों चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे, अगर पसंद आए तो आप वो दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी करके अपना प्यार बरसा सकते हो। सो गाइस, आज जो टॉपिक मैं करवाने वाला हूँ वो हमारा क्रिस्टलाइजेशन। पर क्रिस्टलाइजेशन से पहले, जैसे आपको पता है केमिस्ट्री का ही पार्ट गया, हमारा केमिस्ट्री का लेसन चल रहा है थर्ड लेसन, तो क्रिस्टलाइजेशन से पहले हमने आपको फिल्ट्रेशन करवाया था। फिल्ट्रेशन के डिफरेंट प्रोसेस मैंने आपको करवाए थे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। फिल्ट्रेशन जो मेथड है वो हम इसलिए यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं बताता हूं। हम इसलिए यूज करते हैं कि जो भी हमारी इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज होगी, जो भी हमारे केमिकल कंपाउंड के अंदर इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज होती है, उनको सेपरेट करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते थे वो फिल्ट्रेशन था। ध्यान से, इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी, हाँ, जो प्रॉपर तरीके से डिजोल्व ना हो, वो सेपरेट रहे, ऐसी इंप्यूरिटीज को हम इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज बोलते हैं। और इन सॉल्युबल इंप्यूरिटीज को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करते थे, जो हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस देख लिया। आज हम करने वाले क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है, इस मेथड को यूज किया जाता है किस लिए, तो वो सुनो ध्यान से। इसलिए यूज किया जाता है कि जो भी हमारा केमिकल कंपाउंड है, उस केमिकल कंपाउंड के अंदर की इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज प्लस सॉल्युबल इंप्यूरिटीज, मतलब इनसॉल्युबल तो निकालेंगे ही, साथ में सॉल्युबल जो उसके अंदर प्रॉपर डिसॉल्व हो चुका है, ऐसी इंप्यूरिटीज को भी हम सेपरेट करने के लिए हम कौन से प्रोसेस का यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान से, तो फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। उसमें ओनली इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज को बाहर निकालते थे, इसके अंदर इनसॉल्युबल और सॉल्युबल दोनों इंप्यूरिटीज को हम इस मेथड का, इस प्रोसेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर कट समझ में आ गया होगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन में। जो फर्स्ट हम प्रोसेस देखने वाले, जो फर्स्ट मेथड देखने वाले, वो हमारा सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल क्रिस्टलाइजेशन, तो सिंपल क्रिस्टलाइजेशन में क्या क्या, कैसा कैसा प्रोसेस होता है, एक एक करके बताऊंगा गाइस। मजा आया ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट कर सकते हो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो सिंपल क्रिस्टलाइजेशन में गाइस, मैं आपको बताऊंगा, हमने सबसे पहले क्रूड सॉलिड सैंपल लिया। अब क्रूड सॉलिड सैंपल क्या होता है, क्रूड सॉलिड सैंपल गाइस वही होता है जिसके अंदर सब कुछ होता है। सब कुछ मतलब उसके अंदर वो सॉलिड होगा जिसको हमें सेपरेट करना है, सॉल्युबल इंप्यूरिटीज भी साथ में होगी और साथ में इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज भी इसके साथ होगी। इसको टोटल मिला के हम क्या बोलते हैं, क्रूड सॉलिड सैंपल। तो क्रूड सॉलिड सैंपल के अंदर क्या क्या होता है, पहला सॉलिड जिसको हमें सेपरेट करना है, जिसको हमें बुलाना है, भाई आ जा, तो सॉलिड होता है। दूसरा हमारा सॉल्युबल एंड सेकेंड इज इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज होती है। तो इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी तो हम पहले ही देख चुके हैं कैसे सेपरेट करते, पर इसमें इसका मेथड थोड़ा अलग है तो मैं बताऊंगा। पर इसके अंदर मेन आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि सॉल्युबल इंप्यूरिटीज को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो चलो गाइस, एक एक करके एक एक चीजों को समझाता हूं। इसके अंदर कुछ स्टेप है, उन स्टेप के थ्रू मैं आपको ये जो डायग्राम मैंने कंप्लीट डायग्राम बनाया है, इस कंप्लीट डायग्राम को ये प्रॉपर स्टेप के थ्रू मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहला गाइस, हमारा पहला काम क्या है, हमारा पहला काम है कि हमने क्या लिया हुआ है, हमने एक बीकर लिया हुआ है। ओके, हमने एक बीकर लिया हुआ है, उस बीकर के अंदर हमने कुछ सॉल्वेंट डाला। और अगर मैं उस सॉल्वेंट के बारे में बताऊंगा तो सॉल्वेंट ऐसा हमें लेना है जो सॉल्वेंट इस क्रूड, ये जो क्रूड सॉलिड सैंपल है इसके साथ रिएक्ट ना हो। हमें ऐसा सॉल्वेंट इस बीकर के अंदर लेना है जो इसके साथ रिएक्ट ना हो। पता चला भाई यही रिएक्ट हो गया, हमें इसमें से इसको सेपरेट करना, बाद में हमारा टेंशन ये सॉल्वेंट को भी सेपरेट करने के लिए बढ़ जाएगा। तो हमें इसके अंदर ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो केमिकली रिएक्ट ना हो। किसके साथ रिएक्ट ना हो, इस क्रूड सॉलिड के साथ रिएक्ट ना हो। तो इसलिए वो डिसीजन बहुत बड़ा है, वो डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, बहुत रिसर्च के बाद लेना पड़ता है कि भाई इस सैंपल को जिसके अंदर डालेंगे, क्योंकि ये सैंपल सॉल्यूट हो जाएगा, तो सॉल्यूट को जिस सॉल्वेंट में डालेंगे वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि इसके साथ वो रिएक्ट ना हो। और आराम से जब हम हीट देंगे तो ये सॉल्वेंट आराम से ये ऑपरेट हो जाए। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रख के हमें सॉल्वेंट यूज करना है। सो गाइस, हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर वो सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट के बारे में मैंने आपको बल बताया, सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट के बाद हमने इसके अंदर क्रूड सॉलिड सैंपल डाला। ये क्रूड सॉलिड सैंपल डाला, सैंपल डालने के बाद गाइस क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट दे रहे हैं। हीट देने के बाद
जैसे हमने हीट दिया, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड क्या होता है आपके प्रदीप सर ने फर्स्ट इसके इस लेसन के फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया। सैचुरेटेड मींस कि मान लो मेरी कैपेसिटी 3 चपाती खाने की है, मेरे घर वालों ने ओनली 1 चपाती दी, तो मैं अनसेचुरेटेड हूँ, क्योंकि मेरी मेरा मैक्सिमम अभी भी रेंज 3 चपाती का, और मेरे घर वालों ने 3 की 3 चपाती मुझे खाने के लिए दे दी, तो मैं बोलूंगा आई एम सेचुरेटेड विथ 3 चपाती। तो वही इसके अंदर मैक्सिमम, इस सॉल्वेंट के अंदर हम मैक्सिमम कितना सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट, मैक्सिमम मैक्सिमम के ऊपर नहीं, कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं, डिजोल्व, हाँ डिजोल्व, प्रॉपर तरीके से डिजोल्व हो जाए। जैसे मैं बोलूंगा 1 ग्लास के अंदर 2 चम्मच शक्कर हम प्रॉपर तरीके से डिजोल्व कर सकते हैं, 1 ग्लास के अंदर मैं 1 kg शुगर नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता, तो 1 ग्लास के अंदर मैं कितना शुगर, कितना मैक्सिमम शुगर डाल सकता हूं जो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। तो वही इसी इस सॉल्वेंट के अंदर हम मैक्सिमम जितना सॉल्यूट डाल सकते हैं उस कंडीशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। मैक्सिमम 2, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, एक ऐसा कंडीशन है कि अगर मैं इसके ऊपर डालूंगा तो डिजोल्व नहीं होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन जिसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूट, सैचुरेटेड मीन्स ये अब इसके अंदर और सॉल्यूट में डाल नहीं सकता, मैक्सिमम सॉल्यूट का कंडीशन कंप्लीट हो चुका है। ओके सो अब यहां बस ध्यान से समझो, इतना कुछ भी नहीं है। तो मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मैंने सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट डालने के बाद मैंने उसके अंदर क्या डाला है, क्रूड सॉलिड सैंपल डाला, इसको मैंने हीट दिया, हीट एकदम हाई टेम्परेचर पे हीट दिया, एकदम गरम 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 हो गया। गरम होने के बाद गाइस क्या होगा, देखो इसके अंदर सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज भी हैं, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज भी। ओके क्लियर। सो ये एकदम गर्म हो गया, तो और गर्म होने के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं, वो फटाफट फटाफट डिजोल्व प्रॉपर तरीके से और डिजोल्व होना स्टार्ट होता है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, हॉट फिल्ट्रेशन करेंगे। हॉट फिल्ट्रेशन मतलब क्या, ये गर्म हो गया है, इसी को हम क्या करेंगे, इसी बीकर को उठा के लाएंगे, यहाँ एक फनल होगा, इस फनल के अंदर हम फिल्टर पेपर लगा देंगे, ये जो सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को हमने इसके अंदर डाला, डालने के बाद हमने यहाँ फिल्टर पेपर लगाया। फिल्टर पेपर लगाने के कारण गाइस ये जो हो गया इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज, ये क्या हो गया, इससे सेपरेट हो गया, और अंदर क्या चला गया, अंदर दो चीजें चली गई, सबसे पहले सॉलिड एंड सॉल्युबल इंप्यूरिटी इसके अंदर आ गई, और इसके अंदर बस क्या बचा है, इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी। तो ये कंडीशन के थ्रू, इस कंडीशन के थ्रू हमारे ये पहला वाला पार्ट निकल गया, इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी निकल गई। अब इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर अब दो चीजें, सॉल्यूट एंड सॉल्युबल इंप्यूरिटी। ओके सॉल्युबल भूला हुआ, डिजोल्व अभी भी इसके अंदर है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट मतलब ये जो हमने सेपरेट किया हुआ, इसके अंदर अभी भी दो चीजें हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्युबल इंप्यूरिटी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, पहले हमने हीट दे के हीट किया, हीट के अंदर हमने क्या क्या डाला था, हीट जिसको दिया, किसको किसको दिया था, जिसके अंदर क्रूड सॉलिड सैंपल था, क्रूड सॉलिड सैंपल के अंदर क्या क्या था आपको पता है, हमने उसको अच्छा खासा हीट दिया। हीट देने के बाद हमारा जो सेकेंड प्रोसेस था हॉट फिल्ट्रेशन, तो हमने क्या किया, हॉट फिल्ट्रेशन किया, ये गरम गरम चीज को इसके ऊपर डाला। जैसे ही डाला फिल्टर पेपर के थ्रू, इसके ऊपर इस फनल में हमने फिल्टर पेपर लगाया था, फिल्टर पेपर के थ्रू इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी यहां इकट्ठा हो गई यहाँ, और नीचे दो चीजें चलेगी, सॉलिड और सॉल्युबल इंप्यूरिटी। ओके अब यहां तक है, बट मेन आपका फोकस मैंने बताया था कि सॉल्युबल इंप्यूरिटी कैसे निकलेगी। अब हम क्या करेंगे, अब ये सॉल्यूशन को मान लो उठा के मैंने यहां रख दिया, ये सॉल्यूशन को उठा के यहां रख दिया, ये सॉल्यूशन के अंदर गाइस दो चीजें, एक सॉलिड और दूसरा सॉल्युबल इंप्यूरिटी। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको कुछ टाइम तक कूल करेंगे, भाई कूल हो जा, थोड़ा कूल हो जा, कूल हो जा, फिर क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को एक डिस्क पे उठा के से रख देंगे, मतलब डिस्क पे उठा के डाल देंगे ये सॉल्यूशन को। जैसे हम सॉल्यूशन को डालेंगे गाइस क्या होने वाला पता है, कुछ टाइम के बाद हमें ऐसा दिखेगा, जो इसके अंदर का, जो इसके अंदर का ये सॉलिड वाला पार्ट था, वो क्रिस्टल के फॉर्म में ऊपर अपने आप ऑलरेडी सेपरेट होता हुआ दिखाई देगा, और इसके अंदर जो इंप्यूरिटी थी वो नीचे लिक्विड के फॉर्म में ऐसा पड़ा हुआ रहेगा। तो समझ में आया, ये जो बीकर है, बीकर के अंदर क्या क्या था, सॉल्यूड एंड सॉल्युबल इंप्यूरिटी। तो कुछ टाइम इसको ठंडा करने के बाद जब हम इसको डिस्क में, मतलब हमने हमने क्या, इस बीकर को एक डिस्क में डाल दिया, डिस्क में डालने के बाद हम कुछ टाइम तक उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद जैसे ही वो अपने आप ठंडा होता जाएगा हमें क्या दिखेगा कि कुछ पार्ट ऊपर सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में बन गया। तो सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में जो बना वही तो हमें ये चाहिए था, और जो नीचे लिक्विड फॉर्म में दिखेगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्युबल इंप्यूरिटी।
तो इस तरह से गाइस हम क्या कर सकते हैं, और फाइनली हमें ये सॉलिड क्रिस्टल मिल जाएगा और उसको हम उठा देंगे क्रिस्टल। इसलिए इस लेसन का नाम है, सॉरी लेसन बोल रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। और ये बहुत आराम तरीके से क्रिस्टलाइजेशन हुआ, इसलिए इसको सिंपल क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल तरीका, सबसे पहले हमने क्या किया, बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने एक सॉल्वेंट लिया। सॉल्वेंट कैसा लेना है मैंने आपको बताया, सॉल्वेंट के अंदर हमने ये क्रूड सॉलिड सैंपल डाला। डालने के बाद हमने क्या किया, जैसे ही हमने डाला उसको हीट दिया, हीट देने के बाद हीट दिया, प्रॉपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने फनल के अंदर डाला, और फनल के अंदर हमने फिल्टर पेपर रखा था, जिसके कारण इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी यहां सेपरेट होगी और अंदर बचा हमारा दो चीज, सॉलिड एंड सॉल्युबल इंप्यूरिटी। फिर इसके बाद हमने इसको उठा के डिस्क पे डाला, डिस्क कुछ टाइम तक ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद अपने आप ही यहाँ क्या सेपरेट हो गया, जो हमारा सॉलिड था क्रिस्टल फॉर्म में क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और नीचे क्या बचा हमारा लिक्विड, और जो लिक्विड है वही क्या हमारा सॉल्युबल इंप्यूरिटी। सो गाइस इस तरह से हम सिंपल क्रिस्टलाइजेशन का यूज करके आराम से सॉल्युबल इंप्यूरिटीज को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्युबल इंप्यूरिटी को सेपरेट कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आएगा प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, एंड अपना ध्यान रखना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों।